मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मैनपुरी जनपद में शिक्षक की मर्यादाओं को संसार करता चेहरा सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ने गुंडों जैसा बर्ताव कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल में बंधक बनाकर हाथापाई कर दी। हाथापाई करने वालों में शिक्षक, ग्रामीण और छात्र छात्राएं शामिल रहे। खींचातानी में BSA के कपड़े फट गए, चश्मा टूट गया। BSA ने पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी है। मामले के अनुसार विकासखंड गिरोह क्षेत्र के नाहली गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में BSA कमल सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक मिली, कक्षाएं स्कूल से संचालित हो रही थी। निरीक्षण के दौरान BSA ने अध्यापकों के साथ बातचीत की। एक टीचर अपने कमरे पर थे, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। इसी बीच कुछ अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। BSA और टीचर के बीच बातचीत शुरू होते ही गर्मा गर्मी के बीच माहौल गर्म होने लगा और BSA के साथ बदतमीजी शुरू कर कलर पकड़कर खींचतान शुरू कर दी। तभी सभी ने मिलकर BSA को बंधक बना लिया। ड्राइवर के अनुसार करीब एक घंटे तक BSA को स्कूल में ग्रामीण टीचर छात्र घेरे रहे। BSA ने किसी प्रकार से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने गेट बंद कर दिया। हाथापाई में BSA के कपड़े फट गए, उनका चश्मा भी टूट गया। जानकारी होते ही चालक गाड़ी लेकर भाग गया और सूचना पुलिस तथा पास के स्कूलों में मौजूद शिक्षकों को दी। इसके बाद अन्य स्कूलों के शिक्षक मौके पर पहुंचे और BSA को वहां से निकाला। BSA ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को पूरे मामले की जानकारी दी है। BSA कमल सिंह ने बताया कि वह विद्यालय के निरीक्षण के लिए गए थे। एक शिक्षक ने ग्रामीणों और छात्रों के साथ मिलकर मेरे साथ हाथापाई की और मेरे कपड़ों की खींचतान कर शर्ट के बटन तोड़कर कपड़े फाड़ दिए और मेरा चश्मा टूट गया। उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है। जल्दी पुलिस को तहरीर कर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। मैनपुरी से खबर हरपल के लिए हिमांशु जैन की खबर। क्या बाहर थे? इतना बाहर भी नहीं होगे कि आपके अधिकारी को बंधक बना लिया गया था, मारपीट की जा रही थी, क्या देखने को मिला था? नहीं, मैं तो बाहर था, गाड़ी बाहर खड़ी थी। आपने बोला विवेक अभी रुको, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा रहा। क्या घटना हुई अंदर, जब मैं गाँव वाले अंदर स्कूल में जा रहे थे, उसके बाद मैंने देखा पता नहीं किसी से झगड़ा हो गया, तो मैं भी अंदर गया तो वो टीचर बदतमीजी से बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, आक्रामक था। हाँ, और टेबल वगैरह पट्टी वगैरह बिछा रखी थी, वहाँ कोई किसी की नहीं बोल रहा था। उसी टीचर की ही बात? टीचर की बात सब बोल रहे थे। और जब मैंने देखा साहब अंदर अकेले हैं, बटन भी टूट गए, चश्मा भी टूटा हुआ था, उन्हें निकालने की कोशिश की, तो मैंने सोचा अगर जो मुझे भी पता कर लिया कि ये ड्राइवर है तो मुझे भी अंदर बंद कर लेगा, तो मैं बाहर निकल के इन्हें इतना भय व्याप्त था जी। मैंने कितनी देर ये रहा होगा हंगामा लमसम? अभी इतना तो कंफर्म नहीं, मैं क्योंकि बाहर था 20-30 मिनट तक। हाँ, ये आधा घंटा। हाँ। तो जब तक पुलिस नहीं आ गई है जी, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं 5 मिनट में भेज रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने सोचा पता नहीं पुलिस वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर मैंने DM साहब को फ़ोन किया कि मैं ठीक है फोर्स भेज रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विवेक। मैं एक घटना आपके साथ घटित हुई है, क्या है पूरी घटना? शासन द्वारा हमारा इंस्पेक्शन के लिए नियुक्त किया गया है कि हमें एक मास में 20 हमें इंस्पेक्शन करने होते हैं, ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसी के क्रम में हम लोग गए थे। सुबह मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसका जो इंस्पेक्शन किया, इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय है नाहली में उसका इंस्पेक्शन किया, और ये थर्ड विद्यालय था कंपोजिट विद्यालय नाहली, उसका इंस्पेक्शन कर लिया। सारे हमने एंट्री पूरी कर ली। इसके बाद मैंने टीचर से कहा कि भाई आप लोग विद्यार्थी के हित में, शिक्षा हित में और समाज हित में काम करो। तो उसमें एक अध्यापक थे, वो हमेशा अलग रहते हैं पहले से, हमने कहा उनको भी बुला लो, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो आए तो उन्होंने पहले कहा कि सर मेरी एक मिनट के लिए बात सुनो। हमने कहा कि भाई आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, मतलब जितना तुम मांग रहे हो उतना 2 गुना समय आपको हम दे रहे हैं। तो एक उन्होंने प्रत्यावेदन दिया, 9 पेज का प्रत्यावेदन उनको दिया। उन्होंने मांग की थी कि सर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हमने कहा कि इसके विभागीय नियमानुसार रूप से हम देखेंगे इस पर कार्रवाई की है। इसके बाद वो मेज को थपथपा करके, भूसा मार करके और सारे बच्चों को उनको बुला लिया, विद्यालय के जो विद्यार्थी थे बॉयज़ गर्ल्स, और ग्राउंड में इन्होंने डांट पट्टी बिछा ली, ग्राउंड में इन्होंने माइक बना लिया और सारे को जोर जोर से कहने लगे BSA मुर्दाबाद और तमाम तरह के ऐसे अपशब्द बोल रहे थे जिनको यहाँ कहना ठीक नहीं है। इसके बाद में उन्होंने मेरा घेराव कर लिया, चारों तरफ से जो आए लड़का लड़की वो खुद है ना, मुझे जबरदस्ती जो ना सीट पर बिठाएं कि यहाँ बैठो, मैं वहाँ बैठ गया, मैं क्या कहना हमारी सुनो, बोलिए मैं आपको सुनने को तैयार हूँ।
तो फिर मैं चलने को चाह रहा तो मुझे उठने दिया कि रस्सी लाओ, रस्सी तो बांधेंगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ से आपकी डेड बॉडी दी जाएगी। यहाँ मेरे ना उन्होंने कपड़े भी फाड़ दिए, ये मेरे जो इन्होंने ये बटन है, ये कमीज पहने बैठा हूँ मैं। ये तो मेरे साथियों ने डीएम साहब को फ़ोन लगाया, 112 नंबर की गाड़ी भी आई और वहाँ के ग्राम प्रधान और भी अच्छे लोग थे जो कि अच्छे थे। ग्राम प्रधान वालों ने सब ने हमारा साथ दिया कि नहीं अधिकारी हैं, इनसे आप पोलाइटली बात कीजिए और इनसे सम्मान से बात कीजिए। तो मैं निकलना चाहा तो मेरे कपड़े खींचे इन्होंने, उसने मेरा गले माल पकड़ा, तमाम तरह की इन्होंने जो बातें कही जो यहाँ पर कहना सही नहीं है। दबंग टीचर क्या नाम है उसका? उसका अध्यापक का नाम है श्री राजेश। कहाँ के हैं ये? ये उसी विद्यालय में तैनात हैं, इतनी मुझे जानकारी है, मुझे अभी एड्रेस के बारे में जानकारी नहीं किया है। क्या आपको बंधक बनाया था? हाँ, उन्होंने ना चारों तरफ से ना अपने विद्यार्थी उनको बुला के रखा और मैं उठना चाहता, मेरे हाथ पे हाथ पकड़ लिया ऐसे मेज पर ये।